तो हे गाइस, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं टू मोस्ट पावरफुल वुमेन्स इन WWE, बियांका बेलेयर और रिसेंट में आई हुई हमारी जेट कारगिल। दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं। देखते हैं इन दोनों का क्लैश हमें असलियत में कब देखने को मिलेगा, लेकिन हम अभी कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ऑलरेडी बियांका ने काफी पावरफुल मूव्स दिखा के अपना नाम धाम कमा रखा है WWE में। अब देखते हैं जेट कारगिल भी कैसा कमाल करके दिखाती हैं। जेट कारगिल मैंने रिसेंटली डाउनलोड करी और वो जजमेंट डे के थीम सॉन्ग में आ रही है। भाई काफी पावरफुल मूवमेंट। EST लोग पहले से EST के चैंस लगाने लग गए हैं। देखते हैं भाई दोनों का क्लैश कैसा देखने को मिलता है। हम यहाँ पर को है बियांका बेलेयर, बस में सुप्लेक्स पड़ चुका है। भाई कितनी खतरनाक लग रही है बियांका बेलेयर के सामने जेट। फिर से सुप्लेक्स पड़ चुका है। अभी तक तो जेट कारगिल ने हम पे कोई भी अटैक नहीं किया है। बियांका बेलेयर के पावरफुल मूव्स दिखने में, पर यहाँ पर पहला रिवर्सल आ चुका है। भाई कितनी खतरनाक लग रही है यार ये मॉडल। बियांका बेलेयर का रिवर्सल, लेकिन कुछ काम नहीं आया क्या, हमने रिवर्सल नहीं कर पाए। और जेट कारगिल अपनी पावर दिखाने लग गई है। ये ब्रॉक लेसनर का मूव है यार, ये हेयर कम्स द पेन वाले ब्रॉक लेसनर का मूव था। पावर की बात आ रही है, बियांका बेलेयर अपनी पावर नहीं दिखाएगी तो भाई कैसे बात चलेगी। और ये फ्लिप, टॉप रो मूव, क्या यहाँ परफॉर्म हो सकेगा भाई। परफॉर्म हो गया। फिर से बियांका बेलेयर अपनी पावर दिखाते हुए भाई, क्या ये काफी होगा जेट कारगिल को पिन फॉल दिलाने में। दिस इज ऑसम। अब बारी है कुछ खतरनाक मूव दिखाने की जो सिर्फ बियांका बेलेयर ही मार सकती है। ओह भाई साहब, अपने हेयर से बिग टाइम स्पाइन बस्टर। क्या इतना काफी होगा? वन पे किक आउट कर दिया यार। भाई ये कौन सा मूव था, उड़ा के फेंक दिया यार। I'm not sure if it's resilience or stupidity that's going to drive you to try and come back from a move like that. Signature देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रिवर्सल हो चुका है। EST, ये सिग्नेचर भाई बियांका बेलेयर की सिग्नेचर है और ये जेट की फिनिशर है। भाई देख लो कितना अंतर है। 1 2 किक आउट, फिर से सुपर किक। ये क्या है, टॉप रोप मूव, फ्रॉग स्प्लैश सिग्नेचर थी ये। इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा भाई। ये क्या फिनिशर दे दी भाई साहब। जेट कारगिल तो फुल फॉर्म में आ चुके हैं, फिनिशर पड़ चुका है। बियांका बेलेयर पिन फॉल करने, रोप ब्रेक है भाई, रोप ब्रेक, रेफरी। ओ भाई साहब ये खतरनाक हुआ यार, जेट कारगिल को ध्यान देना चाहिए था। स्पीयर पड़ चुकी है। ओके, फिनिशर पड़ चुका बियांका बेलेयर का। 1 2 किक आउट कर दिया है, शायद मेरे ख्याल से एबिलिटी यूज हो चुकी होगी यहाँ पर को। ये सही मौका है दूसरा फिनिशर लगाने का। टॉप रोप में चढ़ चुके हैं हम, लेकिन जेट उठ चुकी हैं। क्या ये सिग्नेचर पढ़ चुका है? सिग्नेचर पढ़ चुका है। क्या ये फिनिशर पड़ेगा?
काफी सर भी बढ़ चुका है, हम रोप के काफी करीब है। वन टू किक आउट कर दिया भाई साहब, सिग्नेचर पे, फिनिशर पे भाई। अभी अभी दो फिनिशर पड़ी थी, सिग्नेचर पड़ चुका है। क्या ये मौका है, क्या ये मौका है हमारे पास? फिनिशर का रिवर्सल कर दिया, बिग बूट पड़ चुका है, उठा के फिनिशर ना दे दे, कमबैक दे दिया है। ओके, हमने अभी सही मूव परफॉर्म किया। क्या ये एंडिंग है, क्या यहाँ पर वो मैच खत्म हो जाएगा? भाई तीन फिनिशर पड़ चुके हैं जेट को, और थ्री। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली हमारी जेट कारगिल की तरफ से, लेकिन हम यानी कि बियांका बेलियर इस मैच को जीत चुकी है, असली पावर हाउस ईएसटी। देखते हैं भाई असलियत में कौन जीतता है। तो भाई बस यार, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपके ऐसी शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पे।